नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉट येट डिसाइडेड। और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा तीन नए प्रोडक्ट्स की, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है ये जॉबी का गोरिल्ला बॉड, जो कि कैमरा के साथ यूज होता है। वो मैं भैया आपको लगा के दिखाएंगे कैसे इसे यूज करना है। इसके बाद है ये एक लेंस, जो कि है 10-18 mm कैनन की तरफ से। ब्लॉगिंग में ये बहुत ही अच्छा लेंस है, इससे काफ़ी वाइड एंगल शॉट्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड है एक माइक, जो कि रॉड की तरफ से है, रॉड कंपनी की माइक है। तो इसे भी अनबॉक्स करेंगे तीनों प्रोडक्ट्स को, और फिर सेट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं और क्या आपको ये प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए या नहीं। तो अभी हम करेंगे जॉबी गोरिल्ला पॉड को अनबॉक्स। तो सबसे पहले इसे हम यहाँ से काट लेंगे। तो फिर यहाँ से इसे हम सबसे पहले हमें इसमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसमें इसे बताया गया है कि कैसे आपने इसको कैमरा इस पर माउंट करना है। तो इसे आप देख के सीख सकते हैं इसका। और अब हम इसे निकालेंगे बाहर। सबसे पहले इसके नीचे कुछ प्लास्टिक का पीस है। इसके बाद दिस इज द प्रोडक्ट, बॉक्स को रखेंगे साइड में। सो अभी करेंगे थोड़ा सा ऐसे खोल लेंगे, रखेंगे आराम से नीचे, और यहाँ से इसे। तो अब इसके बाद गोरिल्ला पॉड के अब हम करेंगे अनबॉक्स कैमरा लेंस को, जो कि है 10-18 mm। सबसे पहले रैपर को निकाल लेंगे। तो दिस इज द लेंस। बॉक्स को खोलेंगे, और इसकी अनबॉक्सिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं। ये एक कैनन सर्विस कार्ड कुछ है इसमें पड़ा हुआ, इसमें शायद इसकी वारंटी वगैरह कुछ हो। जी हाँ, ये एक वारंटी कार्ड है, तो इसे भी आप संभाल के रखें। उसके बाद ये यूज़र मैनुअल पेपर से लिए हुए, कैसे आपने इस कैमरा लेंस को सेट करना है उसमें। तो इसे देख के आप लेंस को कैमरे से अटैच कर सकते हैं। इसे भी रखेंगे हम साइड में। दिस इज द मेन लेंस, बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग में आया हुआ था। तो इसे हम यहाँ से इसकी कैप हटाएंगे, और अब हम इसे आप कैमरे पे लगा के आपको दिखाते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। जो किट लेंस 18-55 mm कैमरे के साथ आता है, और इसको लगाने के बाद कितना चेंज आ जाता है। तो अब ये रहा हमारा लास्ट प्रोडक्ट, इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है। अब कॉर्स में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक माइक है। तो ये रहा बाहर का बॉक्स, इसे अलग कर देंगे। इसके बाद ये बबल शीट को हटाएंगे, और दिस इज़ द मेन बॉक्स, क्योंकि रोड माइक्रो वीडियो की तरफ से, वीडियो माइक्रो रोड कंपनी की तरफ से माइक्रो, बहुत ही बेहतर माइक्रोफोन था। इसके मैंने बड़े अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, तभी मैंने इसे ऑर्डर किया है, और बड़े सारे यूट्यूबर्स भी इसे रिकमेंड करते हैं। सो तभी हमने इसे परचेज़ किया, ताकि ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो जाए। सो इसे हम यहाँ से काट लेंगे, और ये रहा बॉक्स को साइड में रख के, और दिस इज द माइक। इसका कुछ बड़े ही अच्छे हेयर्स हैं, और एक्चुअल माइक शायद इसके अंदर है। तो ये है वो मेन माइक, जो कि कॉस्ट अराउंड 6,000 रुपीज़ की है ये शायद।
अभी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कोई खरीदना चाहता है तो वहाँ से जाके परचेज कर सकता है। उसके बाद में ये इसे ये कुछ इसके साथ के, और ये रहा ऑक्स टाइप केबल जिसे हम कैमरा और माइक को कनेक्ट करेंगे, और एक यूज़र मैनुअल भी है इसमें। तो इसे देख के अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसे सेटअप करने में तो आप उसे पढ़ के भी सेटअप कर सकते हैं। तो यही था सब, ये रही हमारी माइक, ये रहा हमारा लेंस, और ये रहा हमारा गोरिल्ला पॉड। तो ये तीन प्रोडक्ट अभी हम इस 80D में, सॉरी 200D में लगाएंगे, और फिर आपको सेटअप करके दिखाएंगे कि व्लॉगिंग का ये पूरा सेटअप लगाने के बाद कैसी ऑडियो क्वालिटी आएगी, कैसे व्यूइंग एंगल्स आएंगे, कितने वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हैं हम, और क्यों मैंने ये सब परचेज़ किया है, क्या आपको भी ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं। सो चलिए, तो दोस्तों सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग के बाद अभी हमने सबको अटैच कर लिया, इस तरह से सेटअप बन चुका है। ये रहा आप देख सकते हैं कैनन, ये रही माइक से हमने यहाँ से ऑक्स के साथ कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, और ये रहा नीचे इसका गोरिल्ला पॉड। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा आउटडोर में जाके कि इससे कैसे शॉट्स आते हैं और कितना चेंज हुआ है। उसके बाद हम पुराना जो किट लेंस है 18-55 mm वो भी लगा के देखेंगे, और फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि आप खुद देख पाएंगे कि कितना डिफरेंस है इन दोनों में, ब्लॉगिंग के लिए कौन सा लेंस जो है बेस्ट रहेगा। तो चलिए अभी हम जाएंगे बाहर और देखेंगे कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है अभी इन सारे एक्सेसरीज के साथ। तो अभी हम जो भी शूट कर रहे हैं वो इसी पूरे सेटअप से कर रहे हैं। इसमें हमने 10-18 mm लेंस लगाया हुआ है, और उसके बाद ये ऊपर इसके माइक भी अब रॉड की लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ऑडियो क्वालिटी भी कितनी चेंज हो गई है, और इसमें क्या है कि आप बहुत ज़्यादा अपने व्लॉगिंग करते हुए आपका काफ़ी एरिया कवर हो पा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि अभी मेरे साथ में, अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कुछ भी अपने साथ में दिखाना चाहते हैं, तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। ये मेरे पीछे का सारा व्यू, तो ये काफ़ी अच्छा इसमें व्यू आ रहा है। तो उसके बाद अगर आप इसको 18, जो कि किट लेंस कैमरा के साथ आता है वो होता है 18 mm मिनिमम, उसके जो है 18 mm रहता है। तो 18 mm अभी हम इसके ये जूम करके, ये अब 18 mm हो गया। तो इसमें क्या है कि आप ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते अपने पीछे, तो आपका पूरी बॉडी भी अच्छे से नहीं आ पाएगी, तो व्लॉगिंग में फिर दिक्कत हो जाए, आपका हाथ थक जाएगा, दूर रखना पड़ता है। तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं, आप इसे 10 mm पे कर दें और आराम से व्लॉगिंग करें मस्ती। और तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए रोज़ाना लेकर के आते ही रहेंगे। और अब हमने सेटअप भी बना लिया पूरा, तो अब हम काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स अपलोड करेंगे, कोई नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, और आपको काफ़ी अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।